Vanna Hazare is speaking in Raligaon Siddhi. Let's just cut across and listen to what he has to say. ये संदेश मैं कल भी कहा था कि ये गलत संदेश जाएगा देश के सामने, कोई नहीं काट रहा। और मुझे लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी ने इसको विरोध किया है तो जनता इसके बारे में जरूर सोचेंगे कि ये क्यों विरोध किया। अभी वो सोमवार को आएगा। हम तो ये तय किया पहले से कि जब तक जनलोकपाल नहीं आएगा तब तक हमारा अनशन जारी रहेगा। हो सकता है सोमवार में उस पर चर्चा होगी, मंगलवार जाएगा, बुधवार जाएगा, गुरुवार जाएगा, परवा नहीं। हम लास्ट तक ये अनशन जारी रखेंगे, जब तक जनलोकपाल नहीं आता तब तक। ये हम लोग तय किया क्योंकि हम ये लोकपाल बिल अन्ना हजारे के लिए कुछ नहीं मांग रहे, ये तो देश के जनता का है, गरीब लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए। तो इसलिए हमारा अनशन जारी रहेगा, ये हम तय किया है। इसमें क्या पूछना है तो पूछे। अन्ना, आपके स्वास्थ्य को लेके डॉक्टर और देश को चिंता है, तब तो काफी समय लग सकता है और 3 किलो वजन वैसे ही आपका कम हो चुका है। क्या है, डॉक्टर चेकिंग के लिए नए नए आते, मेरे बारे में पूरा उनको पता नहीं होता। तो पहले तो मैं जब 16 दिन का अनशन किया उस टाइम पर तो मेरा वेट 7 किलो घटा है, फिर भी मैं उठा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। और अभी भी वेट मेरा कम हो रहा है, 4 दिन में 3.25 केजी कम हो गया, और 4 दिन में जाएगा तो और 3.25 दिन का जब कम हो जाएगा 6.5 किलो हो जाएगा। तो 7 किलो कम होने के बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। रामलीला मैदान में 13 दिन में 7.5 किलो वेट कम हो गया, फिर भी कुछ नहीं। तो मुझे विश्वास है इतना वेट कम हो जाएगा क्योंकि आना खाना नहीं है। हर दिन 500-600 ग्राम कम होता है, आज थोड़ा ज्यादा हो गया इतना है। तो डॉक्टर लोग आते हैं वो नए हैं, उनको मेरा स्टैमिना क्या है पता नहीं, इसलिए मुझे विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं होगा। अन्ना, आज जनरल वीके सिंह आए हैं यहाँ पे, जब वो बात कर रहे थे, आज जनरल वीके सिंह जब बात कर रहे थे तब गोपाल राणे बीच में बोलने की कोशिश की, आपने उनको कहा चले जा तो वो चले गए। नहीं नहीं, मुझे एक बात थी। एक तो मैं उनको पहले मना किया था, एक आप पार्टी के मेंबर है और पार्टी के मेंबर में इस आंदोलन में अनशन करना ठीक नहीं है, आप और जगह पर करो। वो जबरदस्ती बैठ गए। अभी भाषण चालू होते हुए बीच में बोलना ये ठीक नहीं है, वो जिम्मेदारों को छोड़कर है, हमारे नियम और व्यवस्था को छोड़कर है बीच में बोलना। इसलिए मैं उनको बताया कि आप बीच में क्यों बोलते हैं, इसलिए उनको मैं बताया कि कल मैं बताया था कि आप मन बैठे, इसके कारण वो आज मुझे बताकर गए कि मैं आपने जो बताया उसके मुताबिक मैं जा रहा हूँ। ना, आज की जो घटनाक्रम हुआ किसको दोषी मानते हैं आप? आज का जो कुछ भी हुआ किसे दोषी मानते हैं? जो कुछ भी आज हुआ वो किसे दोषी मानते हैं? मैं किसी को भी दोष नहीं देता, इसमें क्या बुरा हो गया? और थोड़ा सा गलत हो गया उसको मैं समझा दिया बस, उसमें क्या गलत है? कोई समाज के हानि नहीं, कोई देश के हानि नहीं, लोकपाल के हानि नहीं, किसके भी हानि नहीं, तो दोष क्या देना किसको? कोई दोष देने का कारण नहीं। अन्ना,
या मंचावरती तुम्ही सुरुवातीला सांगितलं की येता राजकीय याच्यासाठी वापर करू दिला जाणार नाही फायद्यासाठी, पण या ठिकाणी आम आदमी पार्टी आणि जनतंत्र मोर्चा यांची जिथं लढाई लागली असं एक चित्र निर्माण झालं असं आपल्याला वाटत नाही. ऐसे चित्र बन रहा उसका कोई कारण नहीं ना, तो लड़ाई क्यों होगी? और दोनों के बीच में मैं है ना, तो मैं तो लड़ाई होने नहीं दूंगा. अन्ना जी, अन्ना जी, अन्ना जी, अन्ना जी, कभी आपने ये सुना कि आप पार्टी के नेताओं ने, अरविंद केजरीवाल ने या और किसी ने ये कहा हो कि अन्ना जी उनके कारण बड़े हुए हैं? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, जनता जानती है, देश की जनता जानती है क्या हुआ कैसे हुआ. अन्ना गोपाळराव जाता जाता एक तुम्हाला चिठ्ठी दिली, काय म्हणले चिठ्ठी मध्ये? ती बाबा नहीं, उसमें कुछ नहीं कि आपने जो बताया मैं आपको पढ़कर बताता हूँ. ये छुपा कर कुछ रखना नहीं चाहिए, फिर संदेह निर्माण हो जाता है कि कुछ तो बात हो गई इसलिए कहा नहीं गया. उन्होंने लिखा है कि आदरणीय अन्ना जी प्रणाम, मैं आपके आदेश अनुसार आपका गांव छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन जब तक आप अनशन करेंगे मैं भी अनशन जारी रखूंगा. हमें उम्मीद है आपके नेतृत्व में जी जनलोकपाल बिल के लिए पूरा देश लड़ रहा है 3 साल से, वही कानून बनेगा और भारत भ्रष्टाचार मुक्त होगा. कुछ फिर अन्ना, ऐसा लगता है कि अन्ना हजारे अभी फिलहाल अपनी पुरानी टीम और नई टीम के बीच में पिसकर रह जा रहे, और आपका ऐसा लगता है कि आपने ये तय कर लिया है कि जो लोग आपके साथ पहले थे, जो कांधे से कांधा लगाकर आपके साथ लड़ाई कर रहे थे इस आंदोलन में, उन्हें छोड़ देना और नए लोग जिसमें वीके सिंह साहब जो है, किरण बेदी है, और आपके बाजू जो साहब बैठे हैं पत्रकार, जो जिनसे आपकी मुलाकात 6 महीने पहले हुई है, आप ये बताइएगा कि अन्ना हजारे गांव में रहने वाला बहुत सीधा आदमी, कितना आप जानते हैं ऐसे लोगों से जो आपके इतने करीब आ चुके हैं इतने कम समय में? क्या टीम हो ना हो, ऐसे कई लोग बोलते थे कि आपकी टीम बिखर गई आपके आंदोलन होगा. देखिए लिस्ट, पूरे देश में आंदोलन हो रहा, पूरे देश में, हर राज्य में आंदोलन हो रहा है. तो अगर ऐसा किसी को लगता हो अन्ना हजारे पहले से एकला चलो रे रास्ते से निकल गया, कारवा बनते गया, माहौल बनते गया, आंदोलन खड़ा हो गया, तो कोई भी टीम हमारे साथ रहे ना रहे, चाहे आज की हो पहली हो कोई भी हो, अन्ना हजारे अकेला भी चलते रहेगा और देश का अन्ना हजारे पर विश्वास है. आपको जो समझना समझ लीजिए अन्ना, लेकिन अन्ना हजारे को पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियों से इतना परहेज क्यों है? क्या आपका ये मानना है कि जो भी लोग राजनीति में आते हैं वो सभी चोर बदमाश होते हैं या भ्रष्ट होते हैं? ये आपका गलत है, ये गलत है. आज राजनीति के लोग यहाँ आए, उनके साथ मैं बात किया ना, आपने देखा, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बात करना क्या दोष है? जो राजनीति में भी अच्छे लोग हैं उनके साथ बात करना क्या दोष है? तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो अच्छे लोग हैं उनके साथ मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ उनको हमारे स्टेज पर बैठने नहीं दे रहा. तो राजनीति में सब बुरे हैं ऐसा मैं भी नहीं मानता, इसीलिए तो कई अच्छे लोग हैं उनके साथ मेरा संपर्क है, और आगे के लिए भी अच्छे लोगों के साथ मेरा संपर्क रहेगा, मेरी ये धारणा है.
राजनीति हो या आंदोलन हो या गवर्नेंस हो, हर जगह पर अच्छे लोग हैं। और मैं ऐसे मानता हूँ देश के हर क्षेत्र के समय विचारी लोग अगर इकट्ठा कर संगठित बन गए तो ये देश खड़ा होने में समय नहीं लगेगा। संगठित होना है, सब अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको जोड़ना है। उन्होंने क्या बुरा किया? जनरल ने जी, आपको नहीं लगता है ऐसा कि जो अपमान कांग्रेस और बीजेपी ने आपका नहीं किया वो अपमान आप पार्टी की वजह से आपका हो गया? मेरे पास सूत्रों को आप भूल गए। शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में त्याग और अपमान करने की शक्ति, ये जब तक कार्यकर्ता में नहीं होगी तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। मैं जो यहाँ तक आया वो अपमान सहन करते करते आया। ये तो अभी आप नया आपको सुनने में मिल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में इतने सालों से मैं अपमान सहन करते आया। क्या क्या लोग बोलते हैं अन्ना के बारे में, पीना है, पीना है। जितना अपमान पिएंगे उतना कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा, और वो मैं करते जा रहा। नहीं नहीं, आप पार्टी का अपमान मतलब क्या है? आप पार्टी का कौन सा अपमान है? मैं अभी बताया ना, मैं अपमान सहन करने की शक्ति रखी है। मेरा कितना भी कोई अपमान करे मैं पीते रहूंगा, समाज के लिए, देश के भलाई के लिए ये करते रहूंगा मैं। आता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तुमच्याशी काही चर्चा केली की चर्चेसंदर्भात तुम्हाला काही निरोप दिला आहे का, किंवा ते तुम्हाला भेटणार आहेत का? पृथ्वीराज चव्हाण आपले सिर्फ हमारे साथ कोई बात नहीं, और मिलने के लिए आना ऐसा कोई मैसेज नहीं, किसी ने मैसेज नहीं दिया कि वो मिलने के लिए आने वाले, मुझे पता नहीं क्या है। अन्ना जी, अभी केंद्रीय गृह सचिव ने बीजेपी ज्वाइन किया, अगर कल को फॉर्मर आर्मी चीफ अगर वीके सिंह जी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या आप तब भी इन्हें अपने साथ में रखेंगे या फिर तब इनके साथ में रहेंगे? नहीं नहीं, मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन पक्ष और पार्टी के लोग हमारे स्टेज पर नहीं होंगे, ये हम पता संभाला है। अरे जब हम लोग एक टीम थी, अरविंद हमारे टीम था, हमारे टीम में अरविंद थे, उस टाइम से हम नियम बनाए, उनको पता है कि हमारे स्टेज पर कोई भी पक्ष और पार्टी का नेता नहीं बैठेगा, नहीं आएगा। ये तो अरविंद जब हमारे साथ थे तब से हम रूल बनाए हैं, और आज वही चल रहा है, ये नया नहीं कुछ। मैं कल भी बताया था ये बाल मेरे धूप से नहीं पके हैं। अन्ना एक कहने से थोड़ा मैं कहूंगा, मुझे जब यकीन होता है तब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ। अन्ना, अरविंद केजरीवाल की जो संस्था है उसको वोट फाउंडेशन से चंदा मिलता है, आज जनरल वीके सिंह साहब ने भी उस पर सवाल उठाया था, क्या आपके मन में भी इस चंदे को लेकर कोई संदेह है? मेरे दिल में कोई संदेह नहीं, अगर उसमें गैर व्यवहार किया होगा तो पुलिस डिपार्टमेंट है, सीबीआई है, इंक्वायरी करना चाहिए, इंक्वायरी में अगर गलत है तो एक्शन लेना चाहिए, मैं कैसे किसी को दोष दूं। अच्छा, एक जनलोकपाल को लेकर सवाल है, आज जो हाउस एडजर्न हुआ है
वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हुआ है। ऐसे लग रहा है जिसे कांग्रेस रखना चाह रही है लोकपाल, लेकिन समाजवादी पार्टी की वजह से दो बार हाउस एडजर्न हुआ है और सोमवार तक गया है। तो अब आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हैं जो रखना चाहती है, और दूसरी तरफ पहले तो मैं जिम्मेदार कांग्रेस पक्ष और बीजेपी को माना है। एक साल से बिल पड़ा रहा और सिर्फ राज्यसभा में रखना था, नहीं रखा। एक साल बीत गया, इतना डिले किया। अगर वो 2012 के शीतकालीन अधिवेशन में बिल आता तो कब तक पास होने आना था? शीतकालीन गया, बजट सेशन गया, बजट सेशन के बाद वर्षाकालीन अधिवेशन गया, नहीं लाया इन्होंने। ये पहली गलती है कि वो बिल नहीं लाया। और आज दूसरी गलती है कि इन्होंने आखिरी आखिरी में ये बिल अभी रखा है, अभी पास होगा, मुझे विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि बिल पास होगा। लेकिन इस बिल को समाजवादी पार्टी जो विरोध कर रही है, तो इसकी नोंद अभी देश की जनता लेगी। और समाजवादी पार्टी ने अगर इसको विरोध किया है तो जनता उसका जवाब दे देगी। अन्ना, आपका अनशन उसकी वजह से ही आगे बढ़ रहा है। आज 3:30 बजे होना था राज्यसभा में, लेकिन समाजवादी पार्टी की वजह से आपका अनशन अब सोमवार तक चलेगा। चलिए जाने दो। एक तो बिल सोमवार को रखने वाले थे, एक दिन पहले रखा तो अभी सोमवार को गया तो क्या बिगड़ गया? वो तो पहले सोमवार को ही रखने वाले थे, तो अभी सोमवार को चर्चा होगी, सोमवार नहीं मंगलवार को। अगर दो दिन में वो चर्चा हो गई तो एक दिन लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में जाने के बाद वो सैंक्शन होने के बाद फिर कानून बनेगा। ये 2-3 दिन का काम है, ज्यादा देर नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि अभी यह बिल आएगा, और देशवासियों ने भी ये तय किया कि बिल आएगा, अगर नहीं आएगा तो यह आंदोलन चलते रहेगा। अन्ना, आपने सभी पार्टियों का अनुभव लिया है, आम आदमी पार्टी का आपका अनुभव क्या है? आपको लगता है कि वो आगे जाके अच्छा काम करेंगे, आज जो यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ उसको देखते हुए? अरे, उसने बुरा काम किया होता तो 28 उम्मीदवार क्यों चुन कर आते थे?